अनीता जो है वो गैर मुस्लिम है और रमजान ने जो है ना गैर मुस्लिम के साथ शादी की हुई है। वकील साहब के पास और वहाँ से पता करते हैं भाई क्या सोचा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यूट्यूब फैमिली के साथ, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुशकरम होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और अपने जगह मसरूफ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो आज की जो प्यारी सुबह का आगाज़ हो गया है और जो भी एक्टिविटी होगी तो यूट्यूब फैमिली इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो प्लीज़ जो है ना मेरी वीडियो बने रहिएगा। अभी जो चाय मेरी बन चुकी है, चाय मेरी हमारी आज चाय हमारी देखना कितना टेस्टी और कितना यम्मी लग रही है, आपको दिखा रही हूँ मेरी चाय, देखें कितना अच्छी बन गई है। ये देखें अंगारों पे बनाई है, आग नहीं जली, अंगारों पे बनाई है, कितना और टेस्टी और यम्मी चाय बन गई है। जाके देती हूँ अपनी नंद को, सुहेल की फूफो को। ये है कप, इन कप में उनको देती हूँ, इन कप में सुहेल के अबू को, ये सुहेल का कप है। बस आखिरी काम था विवर्स, बस चाय मेरी मुकम्मल तैयार हो चुकी है, मैंने कप में डाल दिया चाय, देख जाके देती हूँ सुहेल के फूफो को चाय देती हूँ और मैं थर्मास में डाल के रख देती हूँ। सुहेल और मैं जा रहे हैं आज है ना कोर्ट में, आज है ना हमारी पेशी है, हमारी यानी कि सुनवाई है, तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो बाकी एक्टिविटी रूटीन इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो अल्लाह करे जो है ना अभी अच्छा फैसला हो जाए और सब बेटर हो जाए, अच्छा हो जाए, तो चलते हैं कोर्ट और बाकी एक्टिविटी भी दिखाएंगे और जो भी काम होंगे इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो आज एंजॉय करेगा और मैं पीछे इंजॉय करूँगा, ठंडी में हवा का मज़ा लूँगा और ब्लॉगिंग करूँगा। कोर्ट में एक और बंदे को भी पिक करना क्योंकि उसकी गवाही है, तो उसको भी मैं पिक करूँगा रास्ते में। और जो है ना फिर आगे हमारे सफर कंटिन्यू होगा, तो पहले चलते हैं उस बंदे को पिक करते हैं, फिर अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ठंडी हवा और रिंग लगा गई भाई, बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत हुई। उसके बाद फिर जमीन लगे ना भी थोड़े अर्से के बाद यहाँ भी गर्मी आ जाएगी इंशाल्लाह, कपास के पौधे जो है निकल चुका है। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, तो मैंने कहा ये भी कैचअप कर लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए, देखना चाहिए माशाल्लाह। और साथ में कनाल, नहर और इधर घने घने दरख्त और बीच में सड़क, इस साइड भी दरख्त, इस साइड में भी दरख्त और बीच में सड़क, देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा व्यू। और बहुत ही यहाँ पर जो ठंडा है क्योंकि साथ में जो है नहर चल रही है और पानी भी है नहर में और फुल भरी हुई है नहर। तो अभी हमारा सफर कंटिन्यू क्योंकि हमने जो है ना यहाँ से एक बंदे को पिक करना है, जो हमारा यानी कि वो है विकनेस, जो हमारा गवाह है ना उसको यहाँ से हम पिक करेंगे। पहले अभी जो हम आ चुके हैं अदालत और ये रहा भाई मोटरसाइकिल स्टैंड, बाइक स्टैंड और ये देखिए भाई साहब पर्ची बना रहे हैं, 30 रुपये फी पर्ची लगाया उन्होंने और चलती है और जो है ना अपनी जो है ना पेशी का पता करते हैं, यानी कि आज सुनवाई है उसका पता करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये रहा जी गेट अदालत का, तो चल के अंदर अदालत में, तो अदालत में अभी हम घुस चुके हैं और जो है ना चलते वकील साहब के पास और वहाँ से पता करते हैं भाई क्या सोचा रहे थे, पेशी किस टाइम है किस टाइम नहीं है, सुबह आगे जा रहा है। पेशी जो हमारी थी वो चली गई है आगे, जज साहब ने एक और तारीख दे दिया है, तो यानी कि कोई ज़्यादा फैसला नहीं हो सका, लेकिन यह है कि हम राजीनामा करके आ गए हैं। बस अभी जज साहब का काम है कि वो उनको कब रिहा करते हैं इस केस में, बाकी हमने उनको जो है सुलह दे दिया है। अदालत की सुनवाई के बाद अभी हम आगे हैं जेल देखने वाले के पास, जो कि किताबें जेल करता है और सुहेल जो है ना किताब लेके आया दाद करवाते हैं जेल। और ये देखिए ये जेल कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये देखिए जो है ना वो धागे से लटका दिया है, तो अब जो है ना इसको लगा रहे हैं बाहर से कवर प्रोटेक्ट करने के लिए, छापा लगा रहे हैं ताकि जो है ना बाहर वाले जो है ना
गत्ता वगैरह जो का होता है ना इसका बाहर का प्रोटेक्टर किताब का, वो ख़राब ना हो जाए, उसके लिए ये लगा रहे हैं। अभी मैं शहर से वापस आया हूँ, तो भाई यहाँ पे एक बार फिर बच्चों के जो खेल शुरू हुआ है, और देखें इतनी मनी बच्चा अपना खेल मसरूफ है, गुड़ियों में पर्स भी भरे हुए हैं और साथ में गुड़िया भी भरी हुई हैं, सो रही हैं। हाँ भाई, पता नहीं आज शादी का फंक्शन है क्या है, आज क्या बात है, तो काफ़ी सारा रश है। आज कहीं पे शादी है क्या? किसकी शादी है? इसकी शादी है। वाह माशाल्लाह, इसका दूल्हा कौन सा है? इसका ये दूल्हा है। अच्छा, दूल्हा तो छोटा है बेचारा। ये इसकी बेटी है। शादी भी है, बेटी भी है। ये क्या हो गई है? अच्छा, गाने वाली भी रस्म हो गई है। अच्छा, तो फिर एकदम बेटी भी हो गई? बेटी नहीं। अच्छा, ये भाई फिल्मों की तरह भाई एकदम बेटी पैदा हो गई। और यहाँ पे देखे, ये इसकी बहन है। अच्छा, ये इसकी बहन है। सब यहाँ पे बैठे हैं खेल रहे हैं। ओए होए होए होए, मम्मा भी माशाल्लाह प्यारी है। और ये किसकी है? इसकी है, हेला की है। हाँ। अच्छा वाह जी, आ तो छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, सब सब इंजॉय कर रहे हैं भाई सब। शादी में कुछ पकाया है? नहीं पकाया, हमें भी खिलाओ। शादी पे हम भी आए हैं भाई, हमें भी खिलाओ कुछ। क्या पकाया आज? क्यों, ये कैसी शादी है? नहीं सकते हम, पकाएंगे क्या? नहीं नहीं, फिर पकाए, आप पकाओ ना, खाएंगे ना। गुड़िया नहीं खाएंगे, हम लोग खा जाएंगे। ये थोड़ी कैसी, ये कैसी शादी है? बगैर खाने की शादी है? ये तो गुड़िया की शादी है। चलो भाई, ये देखे भाई, गुड़िया की शादी में कुछ नहीं पकता। चलो खेलो खेलो। चलो यार, तो आज जो है ना सुनवाई थी कोर्ट में, हमारी पेशी थी केस की, तो सब बुजुर्गों ने जो है ना सुलह करवा दिया है। तो आज हम कोर्ट में लेकर देने गए थे, सुहेल भी मेरे साथ था। जज साहब ने कहा कि सुहेल को भी लेके आना, तो सुहेल भी मेरे साथ था। और जो है ना बस थोड़ी सी एक और बात हो गई, जिसकी वजह से जो है ना सुनवाई नहीं हो पाई, और एक और पेशी दी गई। और ये हमने लेकर दिया है कि हमारी जो है ना सुलह हो गया, तो जज साहब ने और पेशी लेकर दे दिया है, और उस पेशी पे जो है ना फैसला इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मीद तो काफ़ी है, लेकिन हमारी जो कोर्ट है ना, इनका कोई पता नहीं है, ये ऐसे ही घसीटते रहते हैं। ये कहते हैं कि बंदा जो है ना जलील ख्वार हो, तो देखते हैं कब या नहीं कि सुलह लेकर जज देता है। हमने तो सुलह लेकर दे दिया, लेकिन अब जज साहब जो है ना सुलह लेकर देंगे तो पता चलेगा। और कमेंट भी मुझे किए गए कि तो आप जो है शरीफ बंदे हैं, इस मामले ना पड़े, इसको रफा दफा करें। तो मैंने फिर सोच विचार किया, और सब बड़े बुजुर्गों ने और रिश्तेदारों ने भी यही कहा कि भाई सुलह कर लें, सुलह कर लें। तो सुलह तो हमारी हो गई है, लेकिन अभी केस चल रहा है, तो केस कब तक चलता है तो ये देखते हैं। और बाकी मुझे एक और कमेंट किया गया है कि जना, और वो कमेंट ये है कि अनीता जो है वो गैर मुस्लिम है, और रमज़ान ने जो है ना गैर मुस्लिम के साथ शादी की हुई है। तो प्लीज़ जो है काशिफ भाई इस बारे में बताइएगा कि अनीता गैर मुस्लिम है, वाकई गैर मुस्लिम है। लेकिन जो है ना कमेंट करने वाले भी कैसे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, जैसे उसका नाम है अनीता, तो इसमें यानी कि डाउट बढ़ जाता है वाकई कि जो है ना ये पता नहीं ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम, क्योंकि उसका नाम ऐसे है ना अनीता, तो ये तकरीबन जो है ना इंडिया वालों के जो नाम होते हैं ना वैसे है, लेकिन जो है ना वो मुसलमान है, एग्जैक्टली मुसलमान है। वो हमारे हमसाए हैं, हमारे यानी कि रिश्तेदार ही है, दूर की उनके साथ रिश्तेदारी है। वो जो है ना सकीरगला के साला की बेटी है, और जो है ना सकीरगला उसका फूफा है, और जो सकीरगला की वाइफ है ना वो उसकी फूफो है, सगी उसकी फूफो है। तो यानी कि हमारे रिश्तेदार हो गए, और जो है ना वो मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है, लेकिन उसका नाम बस ऐसे है, तो इसमें डाउट पड़ जाता है, बाकी इसमें डाउट पड़ जाता है, लेकिन वो जो है ना मुसलमान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया कि जो है ना नीता बिल्कुल ही मुसलमान है, इसमें कोई शक नहीं। और जो है ना मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि कैसे हो सकता है कि रमज़ान जो है ना गैर मुस्लिम से शादी करेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसका नाम ऐसी है, उसका नाम फैंसी है ना आज के जदीद दौर में, बस जो लोग नाम रख देते हैं रख देते, कोई मसला नहीं है, उसका नाम ऐसे है, लेकिन वो है मुसलमान। आज मैं बना रही हूँ चावल और आलू, देखे आलू मेरे काटे हुए, देखे मसाला मैंने डाल दिया है, आग जली हुई, अगर देखे मसाले को भूनी लगेगी तब फिर और मसाला भी डालूँगी। ये लहसुन भी कूटा हुआ है, ये भी डालूँगी, मरीच हल्दी धनिया ये भी डालूँगी, सब चीज़ डालूँगी। आज आलू वाले चावल, सुहेल को तो ज़रा नहीं पसंद आलू वाले चावल, ज़रा भी नहीं पसंद। ये देख के आलू वाले चावल,
चावल मैंने धो के साफ सुथरे कर दिया, माशाल्लाह कितना सफेद लग रहे हैं। साफ सुथरे कर दिया, धो के आग जली हुई है, पानी को उबाला आएगा तो फिर चावल डालूंगी। चावल डाल के फिर इनको ढांप के रख दूंगी 5 मिनट। 5 मिनट के बाद खोलूंगी इनका दाम, फिर चावल अच्छे बनेंगे। चावल हमारे मुकम्मल माशाल्लाह बन चुके हैं। इधर देखे आग मैंने बुझा दी है, नीचे अंधेरे तो बहुत है, आग मैंने बुझा दी है। ये है गरम मसाला, मैं इनको ऊपर से डाल के फिर इनको ढांकती हूँ। ढांक के इनको 5 मिनट दम दूंगी, दम दे के फिर इनको नीचे उतारूंगी। बस तो अल्हम्दुलिल्लाह डिनर रात का लग चुका है। आज डिनर में है भाई चावल और आलू वाले चावल। छोले वाले मेरे पसंद के हैं, वो तो नहीं है, आलू वाले हैं। और इधर नैना भाई तबाह के कर रही है डिनर भाई, और सुहेल बेचारा देख रहा है, नैना खा रही है और सुहेल देख रहा है। सुहेल को नैना सलाह भी नहीं कर रही। अभी क्या फायदा, आप कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए हाजिर हैं, क्योंकि आप हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमें लाइक करते हैं, हमें पसंद करते हैं, तो बिल्कुल आपका राइट बनता है। अगर कोई ऐसे सवाल हो तो प्लीज़ जो है ना आप कमेंट कर दिया करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे इंशाल्लाह। और ये मैं अपना व्लॉग भी ऐड करता हूँ, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।